अलीगढ़ शहर में पॉजिटिव पेशेंट मिलने के बाद अलीगढ़ शहर में खलबली मच गई है और आनन फानन में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। चाहे फैसला लॉकडाउन के नियम में बदलाव का हो, चाहे ऑड इवन का हो, अब ऐसे ही एक फैसला और लिया गया है जिसमें अलीगढ़ शहर को 5 जोन्स में बांट दिया गया। जी हाँ, 5 जोन्स में शहर अलीगढ़ को डिवाइड कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने जोन से अलग जोन में मिलता है तो उस पर होगी कड़ी कार्रवाई। पूरा लॉकडाउन अलीगढ़ शहर को 5 जोन्स में बांटने का काम किया जा रहा है। वाहन को निकलने से पहले देखना होगा अपना जोन। हम आपको बता दें कि क्या क्या जोन हैं, किस तरीके से इन जोन्स को बांटा गया है। पहला जोन थाना बन्ना देवी जोन है, जहां पर बरोला पुल यानी कि बरोला पुल का वो साइड जो सूत मिल चौराहे की तरफ जाता है वो है सारसोल चौराहा, डी विश्वास तिराहा, बाराद्वारी चौराहा, रसलगंज चौराहा, इसको बांटा गया है पहले जोन में। उसके साथ जो दूसरा जोन है, दूसरे जोन में रखा गया है दिल्ली गेट, कोतवाली नगर और सासनी गेट। तो इसमें दिल्ली गेट, नादापुर चौराहा, माबू बांजा तिराहा, मदार गेट चौराहा, पुराना हाथरस अड्डा और सासनी चौराहा, ये जोन नंबर 2 में है। जोन नंबर 3 में थाना गांधी पार्क की सीमाएं आती हैं, जिसमें कंपनी बाग चौराहा, मानिक चौक चौराहा, दुबे का पड़ाव चौराहा, छर्रा पुल नौरंगाबाद की तरफ, जो छर्रा पुल है नौरंगाबाद की तरफ जाता है वो, और एटा चुंगी। उसके बाद चौथा जोन है थाना कुवारसी, और थाना कुवारसी की जर्द में एरिए आते हैं, मीनाक्षी पुल, महाजन होटल की तरफ, जो आप दुबे के पड़ाव से मीनाक्षी के पुल की तरफ से जब आप कुवारसी की तरफ बढ़ेंगे, मीनाक्षी पुल, महाजन होटल की तरफ, गांधी आई तिराहा जो सेंटर पॉइंट चौराहे के पास है, किशनपुर तिराहा उससे आगे, और कुवारसी तिराहा चौराहा उससे आगे। तो ये चौथा जोन है। और पांचवा और अंतिम जोन सिविल लाइन का जोन है, जहां पर एफएम टावर जो अनूप शहर रोड की तरफ से आता है, ये वहां से स्टार्ट हुआ है एफएम टावर, दूसरा तस्वीर महल, तीसरा बरोला सिविल लाइन की तरफ, बरोला पुल जो शमशार मार्केट से, तीसरा तस्वीर महल, उसके बाद बरोला सिविल लाइन की तरफ जाने वाला रास्ता, और कटपुला कचहरी की तरफ। तो कृपया करके लॉकडाउन का करें पालन और अपने जोन में ही रहें। अगर किसी और जोन में आप पाए जाते हैं तो हो सकती है आप पर कड़ी कार्रवाई। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। जय हिंद।